हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज फुल फैमिली हम एक जगह ही इकट्ठे हैं, मतलब सब एक जगह है। बच्चे बच्चे हॉस्टल से आ चुके हैं, आए तो एक दो दिन के लिए ही है लेकिन आ चुके हैं, और इनके लिए बन रहा है भाई स्पेशल चिकन, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और समीर मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, बच्चे सारे ही हेल्प कर रहे हैं लेकिन समीर है जो सारे मसाले तैयार करवा रहा है। लहसुन प्याज जो भी कूटने थे वही कूट रहा है, और साहिल भी छोटे मोटे जो भी काम है वो कर रहा है। और यहाँ पे सारे बच्चे और मैं हूँ, मतलब सेजल है, समीर है, साहिल है, हम सब है। तो साहिल बोल रहा था मम्मी इनर में आ गए, ये आगे बोले हमारे कोई घर बात की नहीं। जो होती है ना छोटी सी लूंगी मिर्च, हमारे घर की है लूंगी मिर्च जो रहती है ना, इतनी सी तो रहती है पर बहुत तीखी होती है, तो ये वही है हमारे घर की। और मिर्ची जैसा ही इसकी पोशाक डेली होती है, यही है मिर्ची है ना। हाँ, ये है हमारे घर की मिर्ची। ये शकरकंदी है वो भिंडी वो भिंडी है, ये शकरकंदी है। सरसों इसका नाम ही ज्योति किरण है, तो आंखों की ज्योति दाम निभा रखा दाम, है। यहाँ पे बना रही थी मैं चिकन जिस दिन समीर साहिल आए थे उसी दिन, तो शाम का टाइम है ये। और रेसिपी मैंने जाने कितनी बार शेयर कर रखी है, और बहुत बार मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि जब देखो तब चिकन 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 चिकन। तो हफ्ते में एक बार या हाँ एक बार ही बनाते, 2 बार तो नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा तो हम लोग भी पसंद नहीं करते इतना, लेकिन हमारे में खाते हैं। तो बच्चे इतने दिन बाद हॉस्टल से आए और इनको पसंद है तो इस वजह से बना रही थी मैं। और ये देखिए पहली बार हम लोग चारों लोग एक फ्रेम में हैं, मेरे दोनों बेटे और हम दोनों, तो दोनों की हाइट हमसे अच्छी और हम रह गए छोटे। तो पहली बार हम लोग एक फ्रेम में आए हैं, कभी भी हमारे घर में एक भी फोटो ऐसी नहीं है जिसमें हम चारों लोग इकट्ठे हो। तो मैंने सब चारों ही किचन में थे तो मैंने कहा आ जाओ एक फ्रेम में, तो आए कम से कम, कभी भी हमारी एक फ़ोटो तक भी नहीं है तो कम से कम यूट्यूब पे तो एक फ्रेम में रहे। और यहाँ पे बना रही थी मैं रोटी, तो रोटी के लिए आटा लगा रही हूँ, और ये हो चुकी है दूसरे दिन की सुबह। तो हम सब लोग उठ चुके हैं, समीर के पापा उठ गए हैं, समीर उठ गया है, साहिल अभी सोया और सेजल स्कूल जा रही है क्योंकि इसके चल रहे पेपर, तो इसको तो उठना ही था, बेचारी को स्कूल जाना है, तो जल्दी उठ के तैयार हो रही थी। और साहिल अभी भी सोया हुआ है ये देखिए, तो इसको हम लोग जगा रहे थे कि उठ जा 9:30 हो रहे हैं अब तो उठ जा तू, क्योंकि वहाँ पे इसकी नींद पूरी नहीं होती है, पढ़ाई 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 वही रहती है। तो मैं इसको जगा रही थी और इतने ज़ोर ज़ोर से मार मार के इसलिए जगा रही थी क्योंकि हमें याद आ गया था, समीर बोल रहा था कि जैसे हमारे पास में कोई रहते थे तो वो अपनी बेटी को जब थेप के सुलाती थी ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से थेपती थी, तो बेचारी को नींद आने के बजाय वो जाग जाती थी, तो कि उस उनकी तरह से जगा इनको। और अच्छा लगता है जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो। हाँ, काम बड़ा फैलता है, दिन भर किचन में ही पूरा हो जाता है, बर्तन मांजो, ये बनाओ वो बनाओ, और होता ही है, पर बच्चे आते हैं तो अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है कि सारे लोग इकट्ठे हैं। और सेजल की चुटिया की जिम्मेदारी भाई रोज मेरी है, कुछ भी हो जाए इसकी चोटी बनानी जरूरी है, ये इससे पता नहीं क्यों सीधी चोटी आती ही नहीं, उल्टी चोटी बनाती है ये, तो इसकी सुबह सुबह चोटी मैं ही बनाती हूँ। और यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है अनियन ऑयल क्योंकि सारे सबके बाल झड़ रहे हैं, मेरे भी बहुत झड़ रहे हैं आजकल बाल, तो अनियन ऑयल ही ऑर्डर कर रहे थे। और ये देखिए बाप बेटे का प्रेम, पता नहीं ऐसे ही इसको समीर को आदत है अपने पापा को गले गले लगाने की, तो पापा ऐसे फैल गए बच्चे की तरह। और ये सुबह सुबह बिस्तर बिस्तर समेट रही थी मैं, और फैला रहा तो ज़्यादा हो नहीं है बिस्तर, अभी समीर साहिल तो सबके अपने अपने बिस्तर है तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे। पहले तो दोनों बच्चे मेरे पास ही सोते थे लेकिन अभी सेजल सोती है मेरे साथ, तो दोनों बच्चे उधर, साहिल तो है जो इस पे यहाँ पे ये बक्सा है इस पे सोता है, और मम्मी जो है बैठक में सोती है जो दीपक वाला रूम है वहाँ सोती है, और समीर बेचारा नीचे बिस्तर बिछा के सोता है। तेरी एक ही जैकेट है, इतने सारे जैकेट है उनको क्यों नहीं पहनती? एक ही है मेरे। अभी देखना मैं दिखाती हूँ ना, एक ही है क्या?
एक तो ये है स्कूल का, वो ऐसे होता होगा देखने वाले को पागल थोड़ी ना। हाँ अब उसको बिखेर देना। अभी एक ये है, इनको ये पहनती नहीं है, सिर्फ वो रेड के पीछे पड़ी रहती है। देखने वालों को यही लगता है बेचारी सेजू के पास तो है ही नहीं, उनको थोड़ी पता है कि सेजू ड्रामे करती है, पहनती नहीं। वो जो कपड़े धुले थे वो सारे सूख चुके थे, उन्हीं को समेट रही थी। और हमारे घर का ये एरिया सबसे ज़्यादा बिखरता है, यहाँ पे ही सेट करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, इसको रोज़ रोज़ सेट करना पड़ता है। और झाड़ू लग गई है सुबह सुबह की, लग गई मीन्स लग रही है, और इसको उठने जितनी बार उठाओ उतनी बार वापस जाके छुप जाता है ये। तो अब अभी मैंने कहा अब तो मेरे को क्लीनिंग करनी है भाई, उठ जा, तो उठ गया था और झाड़ू वाड़ू लग रही है अभी। आजकल ना मेरा मन भी ठीक नहीं था, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ना थोड़ा सा अजीब सा मूड रहता था। तो बच्चे आ गए हैं तो अब थोड़ी सी होता है ना कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ी सी आप जो परेशानियों में होते हो उनको भूल जाते हो और थोड़ा सा दिमाग फ्रेश फील करता है आपका। तो यही मेरे साथ हुआ और अच्छा हुआ कि मेरे बच्चे आ गए, तो थोड़ा सा मेरा मन सही हो गया। पढ़ा रहे हो आप? क्या टीच क्या हुआ जो क्या मैथ्स पढ़ाई जा रही है या साइंस? साइंस। अच्छा जी, हम तो हमारे काम आए इधर। ऐसे टीचर छोटे से आपके हाँ। ट्यूशन फीस कितनी लेते हो? पर इनका दिमाग बहुत बड़ा है। दिमाग बहुत बड़ा है क्या? भैंस के जितना बड़ा है, गाय के जितना बड़ा है, या फिर शेर के जितने बड़ा दिमाग है यार? हाँ यार, आपकी तो विद्या रेखा बहुत बड़ी है, शादी रेखा भी इतनी अच्छी है। शादी रेखा जितना दे देना यार, फिर मैं दे दूंगी ना। जी जी आज क्या बता सकते बुल्ला यार, वो तो मेरे काम आ जाओ, वरना इसने देख ले जो 50 ही है, 5 रुपए नहीं बुआ के पास, तो सच्ची में नहीं है यार। डलवा लाना, मैं दे दूंगी ना। अरे यार मेरे पास कहाँ से, मैं यहाँ आया हूँ ना, उसके तो अपन पैसे डलवाए थे। मतलब 50 रुपए तो गड़ ही चोरी बता यार, मेरी फ्रेंड को देना, उसके पैसे ले रखे हैं। तू तो आईफोन दिलाएंगे तेरे को तो रहेंगे। क्यों मैं कहीं में पढ़ूंगी? चलो सुबह तो खाया थे तूने, वो क्या खाया था? वो खाना मेरे तो तू छोटे वाले मिल रहे हैं यार। यार जी जी को भी के भेजा था, बस स्टैंड गई थी तो अप्लाई नहीं, 50 ग्राम दे रहे, 50 ग्राम बहुत सारे होते हैं। कब कह के भेजा तूने? तू तो कह रही जी जी तो नहीं, पर जी जी से बोला मैंने, पूछा आती वो ही आते मेरे जी जी के लिए महंगे 5 रुपए। मतलब तो समीर जा रहा है मार्केट, तो उसी वो पूछ रहा था कि किसको क्या चाहिए। तो सेजल बोल रही है मेरा मोबाइल पे टेम्पर लगवाना है, और साहिल बोल रहा था सिंगाड़े लाने हैं, सेजल बोल रही बेर लाने हैं, और समीर को खुद को अंडे की ट्रे लेने जाना था। तो यही सब चीज़ें लेने गए थे, और आज का दिन पूरा ऐसे ही हो गया, मजाक मजाक में हंसते खेलते हुए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए।